सोशल मीडिया का जमाना है और लोग इतना बिजी है कि हमारे क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं, तो आइए हम उन्हें याद करते हैं आज। हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश और आज है पुण्य तिथि महान क्रांतिकारी महिला और एक स्वतंत्रता सेनानी भिकाजी कामा जी का, जिसका नाम शायद आपने इतिहास में पढ़ा होगा और सुना भी होगा। आइए हम बात करते हैं डिटेल्स में। भिकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटिश भारत में हुआ था। साथ ही बता दूं, वो एक पारसी परिवार से थी। भिकाजी का नाम रुस्तम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रुस्तम उनके हस्बैंड के नाम थे। भारत की एक ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विदेशी धरती पे जाकर भारत का झंडा फहराया थी। दरअसल एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मनी में 1907 ईस्वी में, तभी भिकाजी कामा जी जर्मनी गई थी, वहां पे उन्होंने भारत की झंडा फहराई थी और वो भी पहली महिला थी जो भारत की झंडा फहराई थी विदेशी धरती पर। साथ ही बता दूं आपको कि भिकाजी कामा जी महिलाओं के अधिकार के लिए भी काम करती थी, जैसे हो गया बाल विवाह, विधवा विवाह और एजुकेशन पर, महिलाओं को एजुकेशन के लिए प्रेरित करती थी। तो झंडा फहराई थी विदेशी धरती पे, वो तीन कलर का था, आज भी तीन कलर का है, लेकिन उसमें उस टाइम पे कलर डिफरेंट था। पहला कलर था हरा, दूसरा था केसरिया और तीसरा था लाल, रंग की पट्टी बनी होती थी। तीन कलर था उस टाइम पे, और जो तीनों कलर जो प्रतिनिधित्व करता था वो था मुसलमान, हिंदू और बौद्ध का। तो भारत में बहुत सारे वीर सपूत पैदा लिए, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, सरोजिनी नायडू है और भी महिलाएं हैं, झांसी की रानी है, उनमें से सबसे अहम भूमिका निभाने वाली महिला भिकाजी कामा जी है। वैसे तो सब अपने अपने जगह पे एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला रह चुकी है, उनमें से एक है भिकाजी कामा जी। साथ ही बता दूं, उन्होंने भारत में बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें एक आंदोलन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें उसका अहम भूमिका थी। तो फ्रेंड, कुछ बकवास चीज देखने से अच्छा है कुछ अच्छा चीज देखो, अच्छा सीखो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।